हाय गाइस, मैं आ गया हूँ वापस अपनी चेहरा लेके वीडियो बनाने के लिए। मुझे पता है तुम लोग सोच रहे होगे मंथ में एक बार भी क्यों आता है, वो भी मत आ, वीडियो ही मत बना। सॉरी, मैं थोड़े दिनों से डिमोटिवेट फील कर रहा था काफी ज्यादा, एंड मेरा वीडियो बनाने का कोई भी मन नहीं कर रहा था। बट फाइनली अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड या तो मैंने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट डाली थी, एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी, जिसमें मैंने पूछा था कि अपने अपने अंडररेटेड ओपिनियन दो। तो लोगों ने अपने अंडररेटेड ओपिनियन दिए, और जिससे कि मुझे लगता है कि कुछ लोग ऑफेंड होने वाले हैं इस कमेंट बॉक्स में, और शायद कुछ फाइट भी हो सकती है, आई डोंट नो। बट मेरा क्या है, मुझे तो रीच मिलेगी। ओके, तो पहले ही ओपिनियन में लोगों की बहुत चलने वाली है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ के बता रहे हूँ। जो जो उस बिजार एडवेंचर इज काइंड ऑफ स्लो, बोरिंग एंड प्रिडिक्टेबल, आई डोंट नो व्हाई पीपल कॉल इट पीक। आई टू डोंट नो वाई पीपल कॉल इट पीक, बट मैंने जितना देखा मुझे तो अच्छा ही लगा। हाँ, मैं बता दूँ, मैंने सिर्फ पार्ट वन देखा है, उसके हिसाब से मैं जज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एनिमे बिना देखे उसे जज नहीं करता। मैंने पार्ट वन देखा और मुझे पार्ट वन अच्छा ही लगा, ऑनेस्टली कुछ पीक नहीं लगा और इतना बुरा भी नहीं लगा, लेकिन हाँ अच्छा था, क्योंकि जितना भी मैंने सुना जो जो हर पार्ट के बाद बेटर होता जाता है। सो आई डोंट नो, मे बी आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। एंड क्या पता आपने सिर्फ पार्ट वन देखा हो या पार्ट टू देखा हो, तो मे बी तुमको और भी ज़्यादा पार्ट देखने चाहिए, तो शायद तुम्हारा ओपिनियन जो है वो चेंज हो जाए। अगर तब भी नहीं होता तो कोई बात नहीं यार, दूसरा एनिमे ट्राई कर लो। लूफी इज ग्रेटर देन नारुतो एंड इचिगो इज ग्रेटर देन लूफी। बट हाँ, अगर मैं मैच्योरिटी के बारे में बात करूँ तो इचिगो इन दोनों से ही काफी ज्यादा मैच्योर है। अगर हम एनिमे को अच्छे से देखें तो मैच्योरिटी में इचिगो थोड़ा ज्यादा मैच्योर है इन दोनों से, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि तीनों ही काफी ज्यादा अच्छे कैरेक्टर है, और तीनों का अलग अलग एक कैरेक्टर है, इनका एक खुद का एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, तो हम तीनों कैरेक्टर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। बट हाँ, तीनों एज ए प्रोटैगनिस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नारुतो और लूफी मैच्योर नहीं है बिल्कुल भी, वो दोनों भी मैच्योर है। काफी ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहाँ पे मुझे लूफी की एक्चुअली में मैच्योरिटी दिखी है, एंड ही इज रियली मैच्योर, एंड समटाइम्स उसके जो डिसीजन होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। एंड सेम गोज फॉर नारुतो, नारुतो भी काफी ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है, एंड नारुतो का भी काफी ज्यादा कैरेक्टर डेवलप होता है। तो तीनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, तीनों मेरे फेवरेट है। सो या, बाकी तुम्हारा ओपिनियन है, आई रिस्पेक्ट दैट। सो या, मूविंग ऑन, एनिमे कम्युनिटी शुड गो बैक टू हाउ इट वॉज कपल ऑफ ईयर्स अगो। आई एम काइंड एग्री टू इट, बट नहीं यार, एनिमे पहले इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था और अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, थैंक्स टू दी लॉकडाउन एंड ऑल्सो सम एनिमे फैंस। जितने भी एनिमे फैंस हैं सभी ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है एनिमे को पॉपुलर करने में इंडिया में, और काफी ज्यादा अच्छी बात है। बट समटाइम्स मुझे भी लगता है कि यार एनिमे गलत पॉपुलर हो गया, बट एनिमे पॉपुलर नहीं होता तो मुझे व्यूज कैसे आते। सो लेकिन कपल ऑफ ईयर्स अगो, लाइक अगर मैं 2019 की ही बात करूँ, तो एनिमे कम्युनिटी उस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एंड सभी एनिमे फैंस अच्छे थे, और कभी इतनी फाइट नहीं हुआ करती थी। फैंस लड़ते थे आपस में, वो बात भी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लड़ते थे जितना अभी लड़ते हैं। और एंड पहले एनिमे यूट्यूबर्स भी काफ़ी ज़्यादा कोलैब करते थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब घुल मिल के रहते थे, अच्छे से रहते थे। और अभी आई डोंट नो व्हाई ये अचानक से हो गया है, बट यस, लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। तुमने ध्यान दिया होगा, तुम्हें एनिमे यूट्यूबर्स के कोलैब भी बहुत कम देखने को मिल रहे होंगे। तो या, सभी अपने अपने में लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है किसी से हेट है कुछ भी है, सब अपनी जगह काम कर रहे हैं, अपना मस्त काम कर रहे हैं। मैंने इन पर भी नोटिस करा कि काफी सारा कोलैब भी बंद हो गए हैं, एंड इतना कुछ रहा नहीं रहा पहले जैसा। एंड बात रही एनिमे कम्युनिटी की, पहले बहुत ज्यादा अच्छी थी, अभी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, एंड सपोर्टिव भी है। एंड पहले इतनी बड़ी नहीं थी एनिमे कम्युनिटी, अब बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। अब तो जो यूट्यूबर्स को हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि वीडियो बनाने के लिए एनिमे के ऊपर, वो बनाते नहीं थे, उनको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी जाती थी तब जाके वो एक वीडियो बनाते रहे। अब वो लोग खुद ही एनिमे के ऊपर वीडियो बनाने लग गए, क्योंकि उनको पता है व्यूज आते हैं अब। बट हाँ, एनिमे का पॉपुलर होना अच्छी बात है इंडिया में, और एनिमे को भी काफी सारा सपोर्ट मिलेगा इससे। बट मैं इतना ही बोलूंगा, लेट इट बी यार, मतलब क्या दिक्कत है यार, एंजॉय करो एनिमे, देखो मजे लो बस, तुम्हें और कोई जरूरत नहीं है ज्यादा घुसने की, बात खत्म। एनिमे तुमको पैसे कमा के नहीं देने वाला, सो अपना एनिमे देखो और एंजॉय करो। ओनिजुका इज द बेस्ट सेंसे इन एनिमे हिस्ट्री। सुपर एग्री, बिकॉज आई रियली लव ग्रेट टीचर ओनिजुका, इट इज वन ऑफ माई फेवरेट एनिमे, एंड आई काइंड एग्री टू इट, बिकॉज मैंने कितने एनिमे सेंसे देखे हैं, तो मैं इस ओपिनियन से एग्री करता हूँ कि हाँ, ओनिजुका एक बेस्ट सेंसे है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी सेंसे और एनी जो भी फैन होगा, प्लीज ऑफेंड मत होना, क्योंकि ये वीडियो खास ऑफेंड होने वाले लोगों के लिए नहीं है। तो इस ओपिनियन से मैं एग्री करता हूँ, तो ये फाइनली एक ओपिनियन मेरा जिससे मैं एग्री करता हूँ। बाकी एनिमे कम्युनिटी वाले से मैं ज्यादा एग्री नहीं करूंगा, बट थोड़ा बहुत एग्री करूंगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें अच्छी है, कुछ कुछ चीजें बुरी है। अगर तुमको ओनिजुका से बेटर सेंसे पता है तो कमेंट करो, यस प्लीज कमेंट करो। पीपल हु लाइक नारुतो आर गे, ओके या इट्स फाइन, लोगों का ओपिनियन होता है भाई, बट इट्स फाइन, व्हाट्स रॉन्ग टू बी ए गे, इट्स फाइन। मुझे नारुतो किसको पसंद है यार, नारुतो मुझे तो पसंद नहीं, नारुतो किसको पसंद है बे, किसी को पसंद नहीं है। कौन आजकल के जमाने में कौन नारुतो पसंद करता है यार, वो पता नहीं गेज सा कुछ दिखाते रहते हैं। नो वन लाइक्स नारुतो मैन, सो डोंट वरी, देयर इज नो गे इन दिस होल वर्ल्ड, नो वन इज गे।
तो मैं क्या कह रहा था, हाँ नारुतो किसी को पसंद नहीं है यार, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुमको पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताना। देखो अभी तुम लोग को साफ बोलता हूँ, तुम्हें दुनिया में कई लोग मिलेंगे ये बोलने वाले कि ये अच्छा है, ये बेकार है, ये बेकार है, ये अच्छा है। तो किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हें पसंद है। तुम्हें किसी ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है जो तुम्हें बताएगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तुम्हें जो पसंद है वो देखो, जो बोलता है बोलने दो, बस मजे लो अपने फेवरेट एनिमे के, चाहे वो कितना भी गंदा एनिमे क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी गंदा एनिमे क्यों ना हो, पसंद करते हो तो पसंद करो। चाहे तुम्हारी वाइफू कैसी भी हो, तुम्हें पसंद है तो पसंद है। अगर तुम्हारी वाइफू को कोई भी कुछ भी बोले तो उसकी मम्मी को वाइफू बना लो, उसकी मम्मी को वाइफू बना लो। सॉरी जस्ट कडिंग, हाँ ऐसा मत करना भाई। तो वे जस्ट थिंक अबाउट इट, कोई बोला योर वाइफू इज ट्रैश, बस एक ही बात बोलनी है तुमको, योर मॉम इज माई वाइफू। नहीं भाई मत बोलना भाई, प्लीज भाई मत बोलना। ओके सॉरी, सॉरी फॉर द बैड जॉक। यार कहाँ से ला रहा हूँ मैं इतने बैड जॉक्स, मत बोलना भाई प्लीज, नहीं तो बोलोगे तुम मेरे चैनल से आए हो, मैंने सिखाया तुम्हें। मूविंग ऑन टू अनदर ओपिनियन, सो लेट्स रीड इट। जुजुत्सु काइसेन इज जेनेरिक एंड वेरी प्रिडिक्टेबल, टेल वन थिंग गुड अबाउट इट, एनिमेशन। ऑफकोर्स मैं मानता हूँ कि जुजुत्सु काइसेन का सीजन वन इतना कुछ ग्रेट नहीं था, लेकिन एनिमेशन तो अच्छा था और एक्शन भी अच्छा ही था, बट एक स्टोरी भी कुछ चीज होती है राइट। सीजन वन देखने के बाद मुझे ऐसा ही लगा था कि कुछ खास स्टोरी नहीं है, बस एनिमेशन अच्छा है, मुझे सीरियसली ऐसा लगा था। बट मैं तुमको इतना बोलूंगा कि सीजन टू का वेट करो, तुम्हारा ओपिनियन जो है चेंज होने वाला है। मैं डैम श्योर हूँ कि तुम्हारा ओपिनियन चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने मांगा पढ़ी है, मांगा कितनी अच्छी है मेरे को पता है, एंड शिबुया इंसिडेंट आर्क इज डैम ग्रेट। जस्ट वेट फॉर इट ब्रो, जस्ट वेट फॉर इट, तुमको पसंद आएगा, तुम जरा वेट करो सीजन टू का एंड चीजें ग्रेट होती है। दिस इज लाइक जजिंग नारुतो इन 23 एपिसोड्स राइट। थोड़ा वेट करो सीजन टू का, बहुत कुछ होने वाला है भी, तुम्हें बता भी नहीं है कि क्या क्या होने वाला है। सो आई वुड सजेस्ट यू जस्ट फॉर वेट फॉर सीजन टू एंड एवरीथिंग विल चेंज एवरीथिंग। तो गाइस यही वीडियो थी आज के लिए, तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा ताकि मैं आप लोगों से इंटरेक्शन बढ़ा सकूं, ठीक है। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे मैं ऐसे ही स्टोरीज डालूंगा, वहां पे आपको कुछ नहीं करना, अपने ओपिनियन डालना है ठीक है, और भी चीजें करेंगे हम। तो प्लीज आइए इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर दीजिए मुझे असली सैयन पे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, नीचे लाल वाला बटन है उसको दबा दो, और घंटी को दबाना मत भूलना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर करने का मन है तो शेयर कर दो, कमेंट कर दो, बहुत सारे रीच चाहिए अपन को बहुत सारी। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप भी अपना अपना अंडररेटेड ओपिनियन डाल सकते हो, बिल्कुल डालिए, दिल खोल के डालिए, कोई मना नहीं है ठीक है। कमेंट बॉक्स में लड़ाई होगी, मुझे रीच मिलेगी। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।